हेलो भाई, मैं हूँ पीयूष। तो भाई ज़्यादा अगर एक्सीडेंट आपने देखे होंगे कि भाई ओवर स्पीडिंग की वजह से देखने को मिल जाते हैं, और वहीं भाई ओवर स्पीडिंग पे अगर किसी कार का कोई बड़ी गाड़ी के साथ, ट्रक या बस के साथ एक्सीडेंट होता है तो वो सिचुएशन में भाई कार में इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है और भाई ये काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है कई बार, और भाई कई बार इसमें पैसेंजर भी सेफ नहीं रह पाते हैं। और भाइयों ये सब होता है भाई ओवर स्पीडिंग की वजह से या फिर भाई रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से। तो भाई आए दिन ऐसे एक्सीडेंट आते रहते हैं जो कि मैं आपको भाई दिखाता रहता हूँ, और भाई आज भी कुछ एक ऐसे ही एक्सीडेंट आया है। तो भाइयों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि भाई मारुति की भाई सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर मारुति एर्टिगा है, जिसमें कि हमें बिल्कुल सेफ्टी देखने को नहीं मिलती है, और आपने इसके काफी एक्सीडेंट देखे भी होंगे जिसमें कि भाई इसने काफी गंदा परफॉर्म किया और अपने पैसेंजरों को सेफ नहीं रखा है, और भाई आज भी इसका ही एक एक्सीडेंट आया है। तो भाइयों ये एक्सीडेंट जो कि गुजरात के अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे पर हुआ है, जिसमें कि भाई आप साफ देख सकते हो कि भाई एक ऑयल टैंकर में जाके एर्टिगा घुस जाती है, जिसके बाद भाई आप एर्टिगा की हालत देख सकते हो कि भाई कितनी बेकार हो चुकी है। तो भाई एक्सीडेंट का कारण इसमें भाई बताया जा रहा है कि भाई एर्टिगा का ड्राइवर जो कि भाई साइड में खड़े ऑयल टैंकर को देख नहीं पाता है, जिसके बाद भाई दोनों में काफी जबरदस्त टक्कर हो जाती है। और भाई एर्टिगा की कंडीशन देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि भाई एर्टिगा की स्पीड कितनी ज्यादा रही थी एक्सीडेंट के वक्त। तो भाई आप इसमें सोच सकते हो कि भाई ओवर स्पीडिंग में ये एक्सीडेंट कितना खतरनाक रहा होगा। तो भाई पैसेंजर की बात करें तो भाई इसमें बताया जा रहा है कि 10 लोग बैठे थे, जिसमें से भाई 10 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो भाई आप इसमें सोच ही सकते हो कि भाई कितना कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि भाई 10 लोगों की डेथ हो गई है। तो भाई आप इसमें ये भी देख सकते हो कि भाई मारुति एर्टिगा में कितनी बेकार बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई यहाँ पे कोई और कार होती तो हो सकता था भाई पैसेंजर सेफ रह सकते थे, लेकिन भाई मारुति एर्टिगा में हमें कोई ज्यादा कुछ सेफ्टी देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से भाई इसकी ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है और भाई इसमें 10 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो भाई अगर आप भी कार ड्राइव करते हो तो भाई सेफली चलाया करो ऐसे हाईवे रोड्स पर, और भाई अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हो तो भाई कोई 5-स्टार रेटेड कार खरीदो जिसमें कि भाई आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। तो भाई बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू।